हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी माई सेल्फ निहाल सो आज का ट्वेंटी सेकेंड लेक्चर है करंट अफेयर सेशन का जिसमें हायर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट टॉपिक पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड ठीक है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना हर एक क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग की रेगुलरली टिल द एग्जामिनेशन एवरी करंट अफेयर सेशन रहेगा अपना हर रोज दो बजे ऑन ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ठीक है और इसी सेशन में से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं तो हर रोज ये वीडियो देखना ठीक है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिफोर स्टार्टिंग द सेशन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट सीरीज फॉर योर पेपर वन प्रिपरेशन जिसमें कि आपको 60 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट भी रहने वाले हैं 2011 से लेकर 2020 तक इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट रहेंगे वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब हर एक टेस्ट जब आप सबमिट करोगे उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ठीक है इस मॉक टेस्ट के अलावा आपको फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि शॉर्ट नोट्स है बहुत ही कम टाइम में दो या तीन दिन में आप पूरे नोट्स पढ़कर अपना रिविजन कर सकते हैं ठीक है उसी के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जब आप आपको फ्री टाइम मिलेगा तब आप ये वीडियोस देख के अपना रिवीजन कर, कर सकते हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ ट्रिपल नाइन रुपीज में सो जल्दी से जाइए ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये मॉक्टे सीरीज जो है वो ज्वाइन करिए प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च बॉक्स में ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करिए आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा इंस्टॉल करिए उसके बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिल जाएगा ठीक है राइट साइड में आप देख सकते हो उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी दैट इज यूजीसी नेट पेपर वन अक्टूबर और उसके बाद आप दो फ्री टेस्ट उसके साथ दो वीडियोस फ्री और दो फ्री नोट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है so, सो जल्दी से जाइए और ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए India has agreed to survey on green hydrogen, setting up renewable energy corridors and projects with which country? ठीक है? India ने एक initiative ये है जिसमें कि green hydrogen के ऊपर explore होगा, ठीक है? Survey होगा green hydrogen के ऊपर, उसी के साथ renewable energy की corridors and कुछ projects के ऊपर uh, initiative लिया है, ठीक है? तो India ने किस country के साथ ये initiative लिया है? ऐसा question पूछा गया है। Italy, Brazil, China या फिर India? So th that country is इटली ठीक है इटली के साथ मिलके ग्रीन uh, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ सर्वे होने वाला है एंड कुछ एनर्जी कॉरिडोर रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोरस बनने जा रहे हैं और कुछ अलग-अलग प्रोजेक्ट्स -अलग हैं इंडिया एंड इटली हैव एग्रीड टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सेटअप रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोरस एंड प्रोजेक्ट्स इन द नेचुरल गैस सेक्टर ठीक है जिसकी हमने क्वेश्चन में अभी पढ़ा

ठीक है ये इंडिया एंड इटली के बिटवीन एक पार्टनरशिप है ठीक है ये पार्टनरशिप जो है ये एक्शन प्लान जो है 2020 में साइन हुआ था और जिसका एम जो है वो है 2024 ठीक है मतलब 2020 से लेकर 2024 तक ये एक्शन प्लान जो है वो काम करेगा द रोम डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच एसोसिएशन ठीक है रोम डिक्लेरेशन ये एक प्रिंसिपल की तरह जो की फॉलो करना होता है ठीक है Uh, ये किससे रिलेटेड है सार्क से जी ट्वेंटी से जी सेवन से या फिर IAMS से तो ये जी ट्वेंटी से रिलेटेड है ये क्यों है रिलेटेड ये हम देख लेते हैं द रोम डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ सिक्स म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल एम्स टू गाइड ज्वाइंट एक्शन फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस एंड बिल्ड अ सेफर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड ठीक है रोम डिक्लेरेशन ये जो है इसमें सिक्सटीन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि Uh, जो फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस होते हैं उसे कम करने के लिए एक सेफर वर्ल्ड या फिर एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए ये हेल्प करता है ठीक है गाइड करता है कौन रोम डिक्लेरेशन वर्ल्ड लीडर हैड डिस्कशंस ऑन इश्यूज ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस सच एज फाइटिंग द पैंडमिक इंप्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फर्दरिंग इनोवेशन सो ये ये जो सारे इनिशिएटिव्स होते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का या फिर पैंडेमिक में किस तरह से फाइट किया जा सकता है या फिर इकोनॉमी किस तरह से बूस्ट की जा सकती है है ना ये सारे चीजों में रोम डिक्लेरेशन जो है वो गाइड करता है ठीक है द कंट्रीज एग्रीड द कोविड-19 इम्यूनाइजेशन इज अ ग्लोबल पब्लिक गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डोंट चूज एक्सटेंशन इज अ कैंपेन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ठीक है डोंट चूज एक्सटेंशन करके एक कैंपेन लॉन्च किया गया था वो किसने लॉन्च किया था नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सो इट इज यू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था जिसका टाइटल था डोंट चूज द एक्सटेंशन पे अनाउंस क्या किया गया था फ्रेंकी द डायनो ठीक है ये एक मॉस्को था डायनोसर के रूप में जो कि हर एक को हाईलाइट करके बता रहा था कि ग्लोबल एक्शन जो होते हैं अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज उसके ऊपर हाईलाइट किया जाए उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा इनिशियेटिव जाए। ये जो डायनासोर का मोस्कोड था वो हाईलाइट करता था कि एवरी वन नॉट टू चूज एक्सटेंशन एंड एक्ट बिफोर इट्स टू लेट ठीक है ये वीडियो है आप गूगल करके भी देख सकते हैं या फिर यूएनडीपी की वेबसाइट पे भी, भी आप देख सकते हैं इसी कैंपेन के दौरान एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी जिसका नाम था डोंट चूज एक्सटेंशन ठीक है सो इट इज ऑल अबाउट द कैंपेन डोंट चूज एक्सटेंशन

जो सी लेवल जो है वो बढ़ गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो गर्मी है जो टेम्परेचर uh, है या फिर एसिडिफिकेशन है वो ज्यादा बढ़ रहा है ठीक है द रिपोर्ट वॉज रिलीज इन जिनेवा एज कॉप ट्वेंटी इन ग्लास्को डब्ल्यूएमओ ऑल्सो लॉन्च द वॉटर एंड क्लाइमेट मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे 2021 so, 2021 का जो नेशनल आयुर्वेदा डे है उसका थीम क्या है okay. तो सेकेंड नवंबर को हर साल नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है ठीक है तो इस साल का जो नेशनल आयुर्वेदा डे है उसका थीम क्या था आयुर्वेदा फॉर पोषण आयुर्वेदा फॉर कोविड आत्मनिर्भर आयुर्वेदा या फिर अमृत आयुर्वेदा सो इस साल का जो थीम था वो था आयुर्वेदा फॉर पोषण ठीक है मतलब पोषण के लिए आयुर्वेदा 2021 का जो आयुर्वेदा डे था ठीक है उसका जो थीम था वो था आयुर्वेदा फॉर पोषण जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा 2016 से से हर साल मनाया जाता है सोलह नवंबर को ये जो नेशनल आयुर्वेदा डे है ठीक है इट इज ऑब्जर्व ऑन द ओकेजन ऑफ धनवंतरी जयंती धनवंतरी जयंती को इसे मनाया जाता है जो कि एक बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ द लॉर्ड धनवंतरी

कर्नाटक केरला उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना सो so द स्टेट इज तेलंगाना तेलंगाना स्टेट को रे रिकॉग्निशन मिला है एज इट वाज इनवाइटेड बाय यूएन नेशंस ठीक है जो कि कॉन्फ्रेंस बिठाया गया था बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ एंड फिफ्थ नवंबर को ये कॉन्फ्रेंस हुआ था ठीक है कॉन्फ्रेंस वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम रोम इटली एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था तेलंगाना स्टेट को इनवाइट किया गया था टू डिलीवर द एड्रेस ऑन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन सिस्टम ठीक है अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया तेलंगाना एज अ सीड हब नेक्स्ट क्वेश्चन हेज आर्ट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस इन द विच इंडियन स्टेट ठीक है हेज आर्ट करके एक बहुत ही फेमस आर्ट है जैसे कि वर्ली पेंटिंग है उस तरह का ये आर्ट है हेज आर्ट ठीक है ये ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि इंडिया के कौन से स्टेट में इसे पाया जाता है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश सो कर्नाटक इज द स्टेट हेज आर्ट विच इज बिलोंग टू ठीक है सो हेज पेंटिंग ये एक यूनिक पेंटिंग है जो कि कर्नाटक में पाई जाती है ठीक uh, है ये जो पेंटिंग है ये रूरल लाइफ ट्रेडिशनल फार्मिंग हार्वेस्टिंग ये सारी चीजों को या फिर डेली लाइफ में जो भी होता है उसे डिपीड करती है ठीक है uh, ये पेंटिंग जो करते हैं वो आर्टिस्ट ने गवर्नमेंट को हेल्प मांगी है किस चीज में क्योंकि ये पेंटिंग जो है वो एक्सटेंट होती जा रही है वो एक्सटेंट ना हो और या फिर इसका डेवलपमेंट हो इस पेंटिंग को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए इस चीज के लिए गवर्नमेंट को एक हेल्प रिक्वेस्ट की है ठीक है आर्टिस्ट ने तो ये है पेंटिंग या फिर हेज आर्ट आसा बुलम बिन एसपी नो ठीक है ये एक नया स्पेसी का नाम है जो कि अभी भी डिस्कवर किया गया है वो किसका स्पेसी है लिज का स्पेसी है फ्रॉग का है स्पाइडर का है या फिर बीटल का है तो ये जो नया स्पेसी है जो कि डिस्कवर किया गया है वो एक फ्रॉग का स्पेसी है एक मेंढक का स्पेसी है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल है? इसे फाउंड किया गया है वुलमबिन नेशनल पार्क में जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है द फ्रॉग इज वन ऑफ द टू नोन their बॉडीज ठीक है, फाउंड टू बी जेनेटिकली डिफरेंट ये है नया स्पेसी का। आयुर्वेदिक टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीनिड इन इंडिया में आयुर्वेदिक टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया था वो कौन से स्टेट में किया गया था गुजरात हरियाणा उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश तो ये जो टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है रिगार्डिंग आयुर्वेदा वो established किया गया था गुजरात गुजरात स्टेट में सो दिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कैंपस जमनागर गुजरात इंडिया ठीक है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ये इंस्टीट्यूट जो है वो गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी कैंपस में लोकेटेड है जो कि गुजरात के जमनागर सिटी में

by an act of gujarat state government which imparts teaching training research in various specialties of ayurveda okay? apart from undergraduate education university is conducting postgraduate education in different subjects of ayurveda and higher level clinical and experimental research in the field institute okay? पोस्ट ग्रेजुएशन भी प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड एंड हाई लेवल क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द आयुर्वेदा फील्ड ओके कौन सा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फिस्ट जिसे शॉर्ट में कहा जाता है इज इंप्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट जो की रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिंग फॉरस्ट्री रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर फूड ये सारे चीजों में जो लॉज होता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया जाता है ठीक है उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है ये एक पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट uh, है स्पेशली ये कहा कंसर्न होता है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करियर डेवलपमेंट स्टाफ वेलफेयर वगैरह इस चीजों में ये रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि स्पेस प्रोग्राम्स जो होते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है और रहा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जो डिपार्टमेंट है ये 1971 में स्टेब्लिश किया गया था जो कि टेक्नोलॉजीज साइंस या फिर टेक्नोलॉजीज है है ना कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज या फिर डिपार्टमेंट uh, है ऑर्गेनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए है ना रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज एक्टिविटीज ठीक है ये सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था और इसी के अंडर ये जो फिस्ट है फंड फॉर इंप्रूवमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंप्लीमेंट किया गया था ठीक so right है सो द राइट आंसर इज बी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके So FIST ये जो स्कीम है इसे क्यों बनाया गया था टू प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटीज टू प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ठीक है ये जो फिस्थ प्रोग्राम है ये री लॉन्च किया जाएगा एज अ फिस्ट टू पॉइंट जीरो एम्स अलाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टअप विद द गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस इंडिया कैंपेन ठीक है fist प्रोग्राम जो है ये आ, 2000 ठीक है ईयर 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था स्प्रेड ओवर 3000 डिपार्टमेंट्स एंड पीजी कॉलेजेस अक्रॉस द नेशंस मतलब 3000 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में या फिर पीजी कॉलेजेस में इंडिया में ये काम कर रहा है ठीक है fist प्रोग्राम ओके इट इज ऑल अबाउट द fist क्या है ये fist फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ओके Before ending the session, very important announcement for you. If you want to crack the examination, whether it is NET or SET, join our courses and crack the examination in very first attempt. Global Online University providing you very relevant mock test, notes and as well as video lectures. Okay, in just rupees triple nine. If you want to join these courses, download Global Online University application or you can contact the uh, on these numbers which is given below. Okay, hurry up and join the course and crack your examination in very first attempt.